नमस्कार, मैं नाजमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आइए लेके चलते हैं हम आपको बड़ी खबर की ओर। इटावा के थाना एकदल क्षेत्र के अंतर्गत 1 जुलाई को शराब व्यवसायी के मुनीम विनय के साथ 6,95,000 रुपए की लूट हुई थी। इस घटना का वांछित एवं 25,000 का इनामी बदमाश बीटू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का खुलासा करते हुए 5 जुलाई को पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाशों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिनको जेल भेजा जा चुका है। आज थाना एकदल एवं एसओजी की टीम के द्वारा वांछित बीटू यादव को आज गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से लूट के 40,000 रुपए, एक अपाचे मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए इटावा से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मीडिया सेल से है ना? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा महोदय के अकुशल निर्देशन में आज दिनांक 1 जुलाई 2021 को थाना एकदिल के अंतर्गत एक शराब व्यवसायी के मुनीम के साथ 6,95,000 की लूट हुई थी। उक्त घटना का वांछित और 25,000 रुपये का इनामी बदमाश, जिसका नाम बिटू यादव है, आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। आप सबको ज्ञात है कि 1 जुलाई को एक शराब व्यापारी के मुनीम विनय कुमार के साथ एकदिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे पर 6,95,000 की लूट हुई थी। उक्त घटना का कुशल अनावरण उसका करते हुए दिनांक 5 जुलाई को इस घटना में सम्मिलित 3 अभियुक्तों को जो पुलिस मुठभेड़ में जो पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, आज उसी क्रम में एक अन्य वांछित अपराधी बीटू यादव, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम था, आज उसे थाना एकदिल और एसओजी की टीम के द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से घटना के दिन लूट के उसके कब्जे से जो है 40,000 रुपये, एक मोटरसाइकिल अपाचे जो कि उस घटना में उपयोग की गई थी, उसके साथ ही एक तमंचा, 315 बोर, 2 कारतूस और एक खोखा कारतूस उसके पास से बरामद हुआ है। आज इस अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। इस घटना में सम्मिलित अन्य अभियुक्तों की भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।